नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि 7 तारीख से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। उसके हम पॉइंट टू पॉइंट को समझेंगे। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपने बीएड किया या फिर डीएड किया हुआ है, तो ये जो नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या इस बार खास है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है फॉर्म फिल करते समय, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो यूपी टेट 2021 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे ये जो नोटिस निकला हुआ है प्राइमरी टीचर और अपर प्राइमरी टीचर के लिए निकला है, मतलब हाई स्कूल के लिए निकला हुआ है। प्राइमरी टीचर मतलब कक्षा 1 से 5 तक के लिए, और हाई स्कूल के लिए 6 से 8 तक होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक स्टेट लेवल का एग्जाम है, और ये केवल एक पात्रता परीक्षा है जिसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं विद्यालय में। लगभग 70,000 वैकेंसी निकलेगा बाद में, उसके लिए आप एलिजिबल होंगे अगर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। तो केवल क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना। तो आप पे अगर स्कोर अच्छा आएगा, मार्क्स ज़्यादा अच्छा आएगा, तो आपका चांसेस ज़्यादा बनेगा। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर प्राप्त करने का कोशिश कीजिएगा। मोड है इस फॉर्म को फिल करने का ऑनलाइन है, और जो रजिस्ट्रेशन डेट हो रहा है वो 7 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर 2021 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे टेस्ट होगा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा। ओएमआर सीट पे 1 ईयर एग्जाम होता है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी होता है एवरी साल होता है, मतलब अगले साल फिर निकलेगा यूपी टेट का, हर साल निकाला जाता है यूपी टेट का। ऑफलाइन एग्जाम होगा, मोड ऑफ एग्जाम कैसा ऑफलाइन एग्जाम है, वैलिडिटी कैसा होगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी होगा, और जॉब लोकेशन क्या होगा उत्तर प्रदेश होगा, जॉब लोकेशन क्या होगा यूपी होगा इसका। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट क्या है ये देख लीजिएगा, updelead.gov.in। तो ये हो गया ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब ये क्या हो गया आपका, ये ऑफिशियल वेबसाइट हो गया, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, देखिए जो एग्जाम डेट है नोटिफिकेशन का वो रिलीज हो चुका है 7 अक्टूबर को, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 7 अक्टूबर को शाम 5 बजे से, उसके बाद एंड होगा 25 अक्टूबर 2021 को, उसके बाद जो फी पेमेंट करेंगे 26 अक्टूबर 2021 को, प्रिंटआउट आप ले सकते हैं 27 अक्टूबर 2021 तक, उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा 17 नवंबर को आएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ एग्जाम डेट है 28 नवंबर को, 11 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, और आंसर की आएगा 2 दिसंबर को, और यूपी टेट का रिजल्ट आएगा 28 दिसंबर को, मतलब सब चीज़ यहाँ फिक्स किया गया, तो जो कि बहुत ही अच्छा चीज़ है। यहाँ पे आगे देखिएगा यहाँ पे अब एग्ज़ाम के टाइमिंग के बारे में बताया गया, जो प्राइमरी टीचर का एग्ज़ाम होगा वो होगा 10 बजे से 12 बजे तक, मतलब जिसको पेपर वन बोल सकते हैं, और पेपर टू का एग्ज़ाम होगा अपर प्राइमरी लेवल टीचर का जो एग्ज़ाम होगा इवनिंग में 2:30 बजे से 5 बजे के बीच में होगा। आप दोनों पेपर के लिए अप्लीकेबल है, दोनों पेपर के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, आप देखिएगा 68,500 वैकेंसी आएगा, जो कि यूपी सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि 68,000 वैकेंसी यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है, यूपी 2021 एप्लीकेशन देखिएगा यहाँ पे, अभी यहाँ पे 2018 में इसके लिए रजिस्ट्रेशन हुआ था टोटल 16,34,249, जिसमें सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हर साल होते हैं प्राइमरी लेवल टीचर के लिए 10,68,912, और 2018 में भी देख सकते हैं 11,70,786, और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अपर अगर आप हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब हाई स्कूल के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ कम आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा 5,65,337 2019 में, और 2018 में देखिएगा 6,12,930 कैंडिडेट ने अपीयर किया था इस एग्जाम के लिए, ठीक है ना, अप्लाई किया था। अब यहाँ पे इस साल भी ज़्यादा उम्मीद है कि ज़्यादा बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। तो आपको 60% लेके आना है, अगर 60% आप लेके आते हैं तो जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊँगा। अप्लीकेशन फी आपका 1,200 रुपये अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो, और केवल एक पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो 600 रुपये, दोनों पेपर के लिए अप्लाई करेंगे तो 1,200 रुपये, SC ST के लिए 400 रुपये, एक पेपर के लिए दोनों पेपर के लिए 800 रुपये, और जो PWD कैंडिडेट है, जो दिव्यांग कैंडिडेट है, उनके लिए 100 रुपये और 200 रुपये, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फ़ी हो गया। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आपका बेसिक ग्रेजुएशन होना चाहिए,
प्राइमरी टीचर के लिए और डीएड होना चाहिए, इनमें से कुछ भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। अगर आपको अप्लाई करना है तो डीएड आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। यहाँ पे नीचे में देखिएगा, यूपी टेट के लिए जो अपर लेवल का टीचर होगा कक्षा 8 से 6 से 8 तक के लिए, उनके लिए भी डीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जो 2 साल का डीएड किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो बीएड किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरह का बीएड किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन है, बट यहाँ पे कर दिया गया कि 12 में 50% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका 4 साल का अगर मतलब बीएससी डीएड किया है या फिर कुछ भी ऐसा जो 4 साल का डिग्री होता है डीएड बीएड का, उसमें अगर आपने किया है तो 50% 12th क्लास में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 50% रखा गया है, हाई स्कूल के लिए रखा गया है, ठीक है ना। अगर बीएड या डीएड है तो भी यहाँ 50% लाना होगा। तो कुल मिला के समझिए कि डीएड हो या बीएड हो, आपको 50% लाना है ग्रेजुएशन के साथ। तो आप हाई स्कूल में भी टीचर बन सकते हैं और आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट क्या रखा गया है, 18 से 35 साल वाले बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। 18 से 35 साल के बीच में आ रहा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें यूपी टेट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो मैंने बताया था यूपी टेट सिलेक्शन में आपको 2 पेपर का एग्जाम होगा। दोनों पेपर में मिनिमम जनरल कैंडिडेट को 60% लेके आना है और सभी कैंडिडेट 60% का ही टारगेट करें, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे ओबीसी के लिए 55% भी होगा, तो आप उसके लिए नहीं सोचिए। 60% मतलब 150 नंबर का एग्जाम होगा, तो आपको 90 नंबर लाना होगा। अब यहाँ देखिएगा, यूपी टेट एग्जाम पैटर्न 2021 फॉर प्राइमरी स्टेज का जो टीचर होता है उसके लिए आपको 150 मिनट मिलेंगे। 150 मिनट में 5 सेक्शन को डिवाइड किया होता है, जैसे सीटेट का एग्जाम आपने दिया होता है वैसे ही एग्जाम होता है। ये 30 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ भी 30 मार्क्स का पूछा जाता है। हिंदी लैंग्वेज 30 नंबर का, और यहाँ भी 30 नंबर का पूछा जाता है। मतलब हिंदी मतलब एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। आप 150 के 150 क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट में कितना होता है, 30 नंबर का। हिंदी में कितना होता है, 30 क्वेश्चन। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन, मैथ्स में 30 क्वेश्चन, और इन्वायरमेंटल स्टडी में 30 क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चन, 150 मिनट, और आप आसानी से पेपर को कर सकते हैं। यूपी टेट एग्जाम पैटर्न है जो जूनियर लेवल का जो कक्षा पेपर 2 होगा कक्षा 6 से लेके 8 तक के लिए, उसके लिए भी सेम एग्जाम पैटर्न है। बट यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 1 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन, उसके बाद मैथमेटिक्स और सोशल साइंस 60 क्वेश्चन, ठीक है। अगर इनका क्लास सही होगा तो मैथमेटिक्स का मैं क्लास दे दूंगा, मैथ का मैं क्लास दे दूंगा, और साइंस का भी क्लास आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से अच्छे खासे आपके नॉलेज होना चाहिए जो आपका कोर सब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट है। जैसे मैथ्स और साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो जिस भी सब्जेक्ट से आप पेपर अप्लाई करते हैं वहाँ पे 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। और यहाँ पे आप आराम से 100 120 नंबर ला सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश कीजिए कि आपका आसानी से हो जाए, ठीक है। इसका स्कोर कार्ड बहुत वैल्यू रखता है। उसके बाद देखिएगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, क्लियर मैं बता देता हूँ। सिलेबस आपको मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। यूपी टेट का जो वैलिडिटी है अब लाइफ टाइम हो गया है, पहले ये 5 साल का वैलिडिटी पे था, अब ये लाइफ टाइम हो गया है। यूपी टेट का वैलिडिटी, कोई भी टेट का एग्जाम आप 5 साल लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। एडमिट कार्ड देखिए 17 नवंबर को आएगा, जो कि मैंने बता दिया था आपको। आंसर की मैंने बता दिया था 2 दिसंबर को आएगा, ये भी बता दिया था, और रिजल्ट आपका 28 दिसंबर को आएगा। तो कुल नोटिफिकेशन में यही था। इसका ऑनलाइन क्लास आप लोगों को चाहिए होगा तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।